Yes. So in the previous lecture we have started with the cell cycle and cell division. तो हम लोगों ने देखा कि इंटरफेज होता है और एम फेज होता है, और कभी कभी किसी किसी सेल के लाइफ में जी जीरो फेज भी होता है जब वो डिवीजन नहीं करना चाहती, परमानेंट बनना चाहती है, डिफरेंशिएट बनना चाहती है, आइदर टेम्पररी पीरियड के लिए या पूरे लाइफ टाइम के लिए. तो उसको बोलते हैं हम लोग जी जीरो फेज या डिफरेंशिएशन. अंडरस्टैंड, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन कोई डिवाइड नहीं होती, ना कि उसका ग्रोथ होता है, ना उसका डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है, और ना उसमें माइटोसिस हो जाता है, पूरा मतलब डिवीजन नहीं होता उसमें. तो ये हम लोगों ने देखा. बाद में हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली डिवाइडिंग फेज जो है वो उसको बोलते हैं माइटोसिस, और माइटोसिस जो है उसकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये चार फेजेस है. उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस. तो ये सबको क्लियर है ना? यस सर, यस सर. यस सर, यस सर. नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होते इसमें, इंटरफेस में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, राइट? यस सर, यस सर. और क्रोमैटिन जो होता है ना, पतला पतला वाला, मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन, उसका कॉइलिंग होता होके बनता है क्रोमोसोम. वो फर्स्ट फेज में होता है माइटोसिस के, प्रोफेज में. तो एनाफेज मेटाफेज में क्या होता है कि हर क्रोमोसोम जो होता है ना वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होता है, और उसको हर क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड होते हैं, यानी कि दो काइनेटोकोर होते हैं प्रोटीन के डिस्क, उसको अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं. हर क्रोमोसोम के दो काइनेटोकोर को अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं. ओके, हर क्रोमोसोम के दो काइनेटोकोर को अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं. साइटोकाइनेसिस हम लोगों ने देखा कि दो टाइप का है. एनिमल में है क्लीवेज पोरो फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंट्रल, तो इसको ले बोलते हैं सेंट्रिपेटल, और प्लांट में है सेंट्रल टू पेरीफेरी, यानी सेंट्रिफ्यूगल, और प्लेट सेल प्लेट तैयार होता है प्लांट में. सो दैट डिवाइड टू साइटोप्लाज्म फ्रॉम ईच अदर, दैट गिव राइज टू सेल. सो माइटोसिस एनास्टल या एम्फियास्टल होता है. प्लांट्स जो होते हैं हायर प्लांट्स पर्टिकुलरली, कि उस हायर प्लांट्स के अंदर एस्ट्रल रेस तैयार नहीं होते क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं रहते. तो स्पिंडल फाइबर तो बन जाते हैं लेकिन स्पिंडल फाइबर जो है उनको एस्टर्स नहीं होते, रेस एस्ट्रल रेस नहीं होते, तो एनास्ट्रल बोलते हैं. और एनिमल में दो अपोजिट पिल पे एस्ट्रल रेस रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्फियास्ट्रल. सो क्लियर इतना सबको? यस सर, वी हैव ऑल्सो सी द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. सो सेल का नंबर बढ़ाना है लेकिन सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इक्वेशनल डिवीजन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेल डबल, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, राइट? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. सिंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल टू दैट ऑफ पैरेंट सेल, पैरेंट सेल्स, बट नंबर ऑफ सेल्स डबल, सेल्स
डबल्स डबल बिकम्स डबल देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द मियोसिस. देखो मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन, प्रोडक्शन डिवीजन मतलब देर इज अ हाल्विंग ऑफ रिडक्शन रिडक्शन दैट इज हाल्विंग हाफ होते हैं हाल्विंग ऑफ क्रोमोजोम नंबर इन डॉटर सेल्स देन पेरेंट सेल्स एज कंपेयर टू पेरेंट सेल्स. सो पेरेंट सेल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे उसके ठीक 50% क्रोमोजोम डॉटर सेल में रहेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम डॉटर में रहेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिविजन. उसको बोलते हैं माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन एज कंपेयर टू पैरेंट सेल्स ओके. और क्या होता है उसमें वन पैरेंट सेल आफ्टर मियोसिस gives four daughter cell. तो माइटोसिस में क्या होता है, सपोज वन पेरेंट सेल है तो अगर उसमें माइटोसिस होता है तो टू डॉटर सेल्स बनते हैं. With same number. अगर इसमें 2n number of chromosome है तो उसमें 2n number of chromosome है. n number of chromosome है तो उसमें n number of chromosome रहेगा. पेरेंट में जितना क्रोमोजोम है उतना हर डॉटर सेल में रहेगा. अगर इसमें सपोज 3n number of chromosome है तो उसमें 3n रहेगा. ओके अगर इसमें कितना भी 4n है तो डॉटर में 4n रहेगा. तो जितने भी पेरेंट में क्रोमोजोम है उतने ही डॉटर में क्रोमोजोम रहेंगे, लेकिन पेरेंट में ओरिजिनल सेल जितने होंगे उससे डबल सेल बनेगा डॉटर सेल. तो इतना सबको क्लियर है? यस यस सर यस सर. अभी आपके लिए एक मैथमेटिकल सिंपल वाला प्रॉब्लम बेस्ड ऑन माइटोसिस का एक छोटा सा प्रॉब्लम है लेता हूँ. इधर देखो कि मेरे पास एक ये पॉट है, सपोज ये पॉट है ठीक है ना. तो सपोज इधर इधर यूनिट है 50, सपोज 50 क्या बोल सकते हैं 50 ml, और इधर है इधर आ जाएगा 100 ml ठीक है. इधर आ जाएगा 25 ml. तो सपोज मेरे पास क्या बोले, सो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है ना. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम मतलब क्या कि जितने टाइम में पॉपुलेशन डबल होता है मतलब सेल डबल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम. तो सपोज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है 20 मिनट्स. कितना है 20 मिनट्स? यू आर गेटिंग? यस सर यस सर यस सर. हाँ तो हमारे पास एक कल्चर है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल है और उनका पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है 20 मिनट, मतलब हर 20 मिनट के बाद वो डबल हो जाते हैं. तो जब सपोज
स्टार्टिंग में जीरो टाइम में हमारे पास सपोज हंड्रेड बैक्टीरिया है, हंड्रेड सेल है, राइट? जीरो टाइम में हमारे पास हंड्रेड हंड्रेड से बैक्टीरियल सेल्स है, तो दैट इज इक्वल टू 25 ml. मतलब अगर सपोज आपने वो एक टेस्ट ट्यूब में वो बैक्टीरिया का सोल्यूशन भरा और वो हुआ 25 ml, तो दैट इज करस्पॉन्डिंग टू सपोज 100 बैक्टीरिया 100 सेल्स, और पॉपुलेशन डबलिंग टाइम 20 मिनट है, तो 50 ml होने के लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब कितना जनरेशन लगेगा? हाउ मेनी जनरेशन आर रिक्वायर्ड फॉर देम टू बिकम 50 ml? Have you understood this question? Yes, sir. पक्का सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को क्लैरिटी नहीं है तो पूछ सकते हो. Sir, can you repeat, please? इधर एक कल्चर है बैक्टीरिया का, उसको डिवाइड होने के लिए, मतलब सिर्फ डिवीजन नहीं, पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसके डीएनए का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन, मतलब पूरा सेल का साइकिल कंप्लीट होने के लिए 20 मिनट लगते हैं, और जीरो टाइम में 100 बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है, जीरो टाइम में अभी स्टार्टिंग में, तो 100 बैक्टीरिया होते हैं तो इतना भर जाता है, 25 ml भर जाता है, तो उसको 50 ml भरने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स एक ही जनरेशन में हो जाएगा ना? यस सर. और 100 ml करने के लिए सिर्फ 40 मिनट्स. पक्का? यस सर. यस सर. ठीक है, हम लोग इस तरह प्रॉब्लम बहुत सारे लेंगे मतलब बाद में, अभी हम लोग मियोसिस शुरू करेंगे. सो मियोसिस क्या देखा हम लोगों ने, ये प्रोडक्शन डिवीजन है, राइट? तो जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पैरेंट में उसके डबल होगा, सॉरी माइटोसिस में. और मियोसिस में क्या होगा, सपोज एक पैरेंट सेल है, उसमें अगर मियोसिस हो जाता है, मियोसिस पूरा, तो कितने होते हैं, 4 डॉटर सेल्स. अगर ये सपोज डिप्लॉयड है तो हर डॉटर सेल्स कैसे बन जाते हैं, हैप्लॉयड, राइट? यस सर. हाँ, तो सेल का नंबर तो इसमें ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसमें सेल का नंबर डबल हो जाता है, इतना इधर मतलब 4 times बढ़ता है, इधर 2 times बढ़ता है, लेकिन इधर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इधर 25% ऑफ द क्रोमोसोम जाते हैं उसमें, सॉरी 50% क्रोमोसोम रहते हैं डॉटर सेल. सो वी विल सी द प्रोसेस ऑफ मियोसिस राइट नाउ. मियोसिस प्रोडक्शन डिवीजन है, तो मियोसिस किस में होता है, किसमें होता है, हैप्लॉइड सेल में होता है सर? हैप्लॉइड डिप्लॉइड में चेंज होता है तो मियोसिस होता है. इट कैन अकर इन हैप्लॉइड सेल और इन डिप्लॉइड और एनी प्लॉइडी लेवल, और एनी प्लॉइडी लेवल, जितना भी प्लॉइडी लेवल है ना, प्लॉइडी लेवल मतलब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, किस मतलब सेल के पास कितना भी क्रोमोसोम हो तो उसमें माइटोसिस तो हो सकता है. अंडरस्टूड? यस सर. लेकिन मियोसिस तो हैप्लॉइड नहीं होता. ओके, नॉट इन हैप्लॉइड सेल. हैप्लॉइड सेल मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली में नहीं होता. डिप्लॉइड में हो सकता है? डिप्लॉइड में यस सर. यस सर. डिप्लॉइड सेल
मुझे बोले ट्रिप्लॉइड में हो सकता है क्या? ट्रिप्लॉइड में नो सर. टेट्राप्लॉइड में यस सर. यस सर हो सकता है. मतलब ऐसा लिखे हम लोग तो so that is possible in diploid मतलब 2n 4n 6n etc with odd या even क्या लेकिन क्या what is even even number of chromosome. Hello, you are understanding or not? Yes sir. Even क्या बोलेंगे even number of chromosome बोलेंगे क्या? Yes sir. No, not exactly. It is in even number of sets of chromosome. Sets, that is important. Even sets होने चाहिए. ठीक है, n है ना, n ये सेट है. सेट में एक एक सेट में एक क्रोमोसोम रह सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं. सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सेट्स पता चल रहे हैं आपको? सेट्स यस सर. ह्यूमन में कितने सेट है? ह्यूमन में 23 सेट कितने हैं? हर हर क्रोमोसोम के दो सेट है, राइट? Yes, sir. ऐसे कितने से कितने pairs है? 23 pairs. Okay? 23 pairs है, right? Diploid cell. ठीक है, that is possible. And not in cells with odd sets of chromosome, odd sets of chromosome. इतना ध्यान रखो. मियोसिस क्यों होता है? Why? Variations introduce. मुझे एक बताया कि मियोसिस किस तरह के रिप्रोडक्शन में होता है? सेक्सुअल में होता है या असेक्सुअल में होता है? सेक्सुअल में नहीं होता सर. होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? कि सपोज गैमेट मदर सेल है कोई, गैमेट मदर सेल है कोई और गैमेटोसाइट, सॉरी जिसको बोलते हैं हम लोग गैमेट मदर सेल या मियोसाइट, तो उसमें होता है मियोसिस और बनते हैं गैमेट्स. क्या बनते हैं? गैमेट्स. फ्यूजन होता है गैमेट्स का, मतलब गैमेट्स होते हैं इधर हैप्लॉइड मोस्टली, तो फ्यूजन होता है ऑफ गैमेट्स. उसके क्या होता है? रिस्टोर द 2n number of chromosomes in organism, right? You understanding or not? Yes sir. Gamete बनते हैं meiosis से ना, तो gamete होते हैं haploid. जब haploid gamete fuse होते हैं zygote बनता है, तो ये बनता है diploid set बनता है, right? अगर meiosis नहीं होगा 2n नंबर ही क्रोमोसोम रहेंगे, तो 2n 4n रहेंगे. बाद में नेक्स्ट जनरेशन में 4n गैमेट फ्यूज होगा, 8n होगा. उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में 16n. तो हर जनरेशन में क्या हो सकता था?
कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, डबल हो जाता है राइट ना? यस सर। हां तो स्पीशीज हर जनरेशन में नया नया स्पीशीज बन जाता ना? यस सर। सो और एसेक्सुअल में बनते कि नहीं बनते, मतलब ये मियोसिस होता है कि नहीं होता? सर आई थिंक होता है। नो सर। आपने प्लांट के प्लांट लाइफ साइकिल पढ़े क्या? यस सर। प्लांट या मतलब पर्टिकुलरली अल्गी, फंगाई, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके लाइफ साइकिल पढ़े क्या आपने? यस सर। ये क्लियर है लाइफ साइकिल उनके? सर ऑलमोस्ट क्लियर है। ये ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है सर? मतलब क्लियर तो है सर, अगर सर आप क्वेश्चन करो फिर पता लग जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा। तो इधर जो म्यूसिस होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है प्री जायगोटिक। इधर फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन, तो उससे बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। हाँ, जायगोट फॉर्म करने से पहले होता है मियोसिस। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मियोसिस इज प्री जायगोटिक। क्या होता है मियोसिस? मियोसिस जायगोटिक। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मियोसिस इज प्रीजाइगोटिक। प्रीजाइगोटिक जायगोट फॉर्म होने से पहले। एसेक्सुअल में भी मियोसिस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, लेकिन कब होता है? सपोज ये कोई सपोज गैमेट है, सपोज कोई गैमेट है, वो गैमेट मियोसिस से नहीं बने, माइटोसिस से ही बने। कैसे बने गैमेट्स? कैसे बने? माइटोसिस से। माइटोसिस और गैमेट तो फ्यूज हुए, तो क्या बना? जायगोट बना, डिप्लॉइड। गैमेट थे हैप्लॉइड, जायगोट बना डिप्लॉइड, और जायगोट से बना स्पोरोफाइट। क्या बना? स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं उसको? तो गैमेट किससे बने? गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट से गैमेट बनते हैं, स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। कैसा है स्पोरोफाइट डिप्लॉइड? तो इसमें होगा मियोसिस, और उससे बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स हैप्लॉइड। लेकिन ये स्पोर्स का क्या होगा आगे जाके? ये फर्टिलाइज करेंगे क्या गैमेट की तरह? इसका होगा जर्मिनेशन। क्या होगा? जर्मिनेशन मतलब जैसे सीड का होता है ना जर्मिनेशन, स्प्राउट, राइट? सीड से कैसे मतलब बनता है ये पेड़, वैसे ही स्पोर्स से जर्मिनेट होके क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या कैसे बनेगा? ये ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा? हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, राइट? यस सर। इसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक स्ट्रक्चर बनेगा जो गैमेट तैयार करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। ओके। तो इधर मियोसिस कहाँ है? मियोसिस कैसे है? इधर मियोसिस किधर है? मियोसिस ये कैसे? मियोसिस पोस्ट जायगोटिक। कैसे है मियोसिस? इधर पोस्ट जायगोटिक। जायगोटिक, राइट? यू अंडरस्टूड? यस सर। ओके। तो प्लांट के लाइफ साइकिल है ना, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा। अच्छा, मतलब उसको ना हर एंगल से अगर हम लोग देखे ना, तो बहुत कुछ अंडरस्टैंड हो जाता है, बहुत डेप्थ में बायोलॉजी का डेप्थ में नॉलेज पता होता है, चलता है। तो कभी टाइम मिलेगा तो उस पे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? या अगर वो चैप्टर अगर या मतलब हम लोग ले या
कोई बाद में हम लोग कोई रिवीजन कर ले, तो आपका जो भी टॉपिक मतलब नहीं हो रहा है तो बाकी का टॉपिक जो भी है उसका जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि वो प्लांट किंगडम में डिफिकल्ट क्या हो जाता है बच्चों को, तो आदि पहले तो अलग ही में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बाद में उनको ब्रायोफाइट का मॉसिस और लीवर वर्ट में फर्क नहीं पड़ता चला जाता। टेरिडोफाइट में भी थोड़ा सा लाइफ साइकिल का इश्यू होता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म भी थोड़ा सा लाइफ साइकिल उनका मतलब दिक्कत हो जाता है। देख लेंगे हम लोग जो भी है, ठीक है? यस सर। तो नाउ वी विल सी मियोसिस का मेनली सिग्निफिकेंस क्या है। मियोसिस का कि इट इज मेनली द मेन सिग्निफिकेंस है ना, मेन सिग्निफिकेंस जो मेन सिग्निफिकेंस है या मेन इंपॉर्टेंस है वो किसमें है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्योंकि ये क्या करता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स। क्या करता है ये? हैप्लॉइड गैमेट्स करता है तैयार, और हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज करते हैं, फ्यूजन तो रिस्टोर होता है डिप्लॉइड कंडीशन, रिस्टोर होता है डिप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड। ये एक है। दूसरा है सिग्निफिकेंस, दूसरा सिग्निफिकेंस है कि इट क्रिएट वेरिएशंस इन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक वेरिएशंस। क्या करता है ये? जेनेटिक क्यों करता है, लेकिन क्या करता है? जेनेटिक वेरिएशन क्यों करता है, कैसे करता है अब देखेंगे। जेनेटिक वेरिएशन से उससे क्या होता है? इवोल्यूशन हो जाता है। क्या होता है? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में होता है हेल्प इन इवोल्यूशन। अंडरस्टैंडिंग? यस सर, यस सर। देखेंगे मियोसिस जो है ना, अभी हम लोग सेल साइकिल जब निकालते हैं ना तो क्या करते हैं हम लोग, G1, S, G2 और उसमें हम लोग जो M लिखते थे वो मोस्टली होता है माइटोसिस ही होता है। क्या होता है ये? माइटोसिस। अभी मियोसिस का क्या रहेगा? G1, S, G2, M1 इंटरकाइनेसिस और M2, ठीक है? M2 डन। यस सर। मतलब मियोसिस में, मतलब मियोसिस में दो स्टेप्स है। क्या है? टू स्टेजेस है मेन स्टेजेस। एक है मियोसिस वन और दूसरा है मियोसिस सेकेंड, मियोसिस टू, ठीक है? तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में टू टाइम न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, बट ओनली वन टाइम, सॉरी वन टाइम डीएनए रिप्लिकेशन, वन टाइम डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब दो सेल डिवीजन है उसमें, दो सेल डिवीजन बट वन डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज टू सेल डिविजन्स विथ ओनली वन डीएनए रेप्लिकेशन। इज इट क्लियर? इस पे क्वेश्चन बनता है। इज इट क्लियर? आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब हम लोगों ने देखा ना कि क्या है, G1 है, S है, G2 है और बाद में M1 है और उसके बाद है इंटरकाइनेसिस आईके लिखता हूं मैं इधर, आईके और M2, ठीक है? तो आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है ये, आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन। तो क्या इसमें स्टेजेस क्या है? स्टेजेस इसमें स्टेजेस है प्रोफेज वन मेटाफेज वन
anaphase 1. Telophase 1. Done. You're getting? Yes, sir. With no distinct cytokinesis. Cytokinesis तो telophase के साथ साथ ही हो जाता है, कुछ अलग नहीं होता. ठीक है. और ये वो स्टेजेस मियोसिस वन के. मियोसिस टू के क्या स्टेजेस है? मियोसिस टू के उसके बाद आता है इंटरकाइनेसिस, उसके बाद आता है मियोसिस टू, उसके क्या स्टेजेस है? प्रोफेज टू, मेटाफेज टू. सो गए क्या? नो सर. नो सर. Anaphase 2. Now, telophase 2. With no distinct cytokinesis. साइटोकाइनेसिस तो अलग ऐसा नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस ओनली, टेलोफेज ओनली. साइटोकाइनेसिस इज द पार्ट ऑफ टेलोफेज ओनली. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ प्रोफेज वन. It is much longer than prophase of mitosis. It is much longer than, ये थोड़ा सा बहुत लंबा चलता है prophase mitosis के prophase से भी. उससे भी ज्यादा लंबा चलता है ये. ठीक है. इसमें स्टेजेस होते हैं. इसमें क्या क्या होता है? स्टेजेस होते हैं. कोई बता सकता है कौन से स्टेजेस है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या पैचेटीन बोल सकते हैं, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. तो फर्स्ट है लेप्टोटीन. आपने एनसीईआरटी खोल के बैठे होगे ना? उसमें पैराग्राफ पढ़ते नहीं रहना है, इधर इधर ध्यान देना है. डायग्राम जब मैं बोलूंगा वही. ठीक है. लेप्टोटीन तो इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम. इसमें बनता है क्रोमोसोम में बनता है. तो क्या लिखा मैंने? मतलब अब आपको पता है कि जो मियोसिस वन होने के पहले जो जी वन फेज हुआ था, एस फेज हुआ था और जी टू फेज हुआ था, बाद में एम वन हुआ था, एम वन के प्रोफेज वन हुआ था और उसका लिटोडेंजर है. तो लिप्टोटीन मतलब प्रोफेज वन के पहले जो हो रहा था इंटरफेज, और उस इंटरफेज में क्या था? एस फेज था. तो एस फेज में क्या बना था? क्रोमोसोम डीएनए का डबलिंग हुआ था, क्रोमैटिन का डबलिंग हुआ था. और इंटरफेज, पूरे इंटरफेज में
सिर्फ क्रोमैटिन ही था, कोई क्रोमोसोम विजिबल नहीं था, कॉम्पैक्शन नहीं हुआ था, कॉइलिंग नहीं हुआ था, जैसे कि हमने इसमें देखा, माइटोसिस में देखा, वैसे ही सेम। अभी क्रोमोसोम का बनना शुरू हुआ, बनेंगे कहाँ से बनेंगे, क्रोमैटिन से ही बनेंगे, क्रोमैटिन कंडेंस होता जाएगा और उससे क्रोमोसोम बनता जाएगा, क्रोमैटिन कंडेंस होता जाएगा और उससे क्रोमोसोम बनता जाएगा, क्रोमोसोम बनता जाएगा, ओके। लेकिन क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है ना, क्रोमोसोम कंडेंसेशन ये थ्रू आउट प्रोफेज होता है, किसी एक प्रोफेज के फर्स्ट या सेकंड फेज में कंप्लीट नहीं होता, थ्रू आउट प्रोफेज होता है। तो इधर क्या होगा कि सपोज एक सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियोलस है शायद, हो सकता है, और इधर ये सब क्रोमैटिन है। क्या है ये? क्रोमैटिन है। तो क्रोमैटिन का अभी कॉइलिंग होना शुरू हुआ, कंडेंसेशन हुआ, होना शुरू हुआ, इसलिए आपको ये थ्रेड्स दिख रहे हैं, अभी थ्रेड्स दिख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या दिख रहे हैं? थ्रेड्स दिख रहे हैं, ठीक है। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। जाइगोट का मतलब क्या है? जाइगोट, कम ऑन फास्ट, what is the meaning of zygote? Fusion of male and female gamete. Fusion matlab pairing, union, right? Union. Yes, sir. To idhar koi fusion aisa nahi hota male female gamete ka, lekin idhar kya hota hai, homologous chromosome ka union ya pairing hota hai. Zygotin ka matlab hai pairing. Iska matlab kya hai? Pairing. जायगोट मतलब पेयरिंग, टीन का मतलब थ्रेड होता है, टीन मतलब थ्रेड, सो इट इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर होना शुरू हो जाता है। अभी कौन आ रहा है लेक्चर में? हाँ बेटा, अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ओके, सो दिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैं अभी ना क्या करूंगा कि अलग अलग कलर के क्रोमोसोम बनाऊंगा, तो यू विल बिकम फैमिलियर विद दिस डायग्राम। ये अभी कोई पेयरिंग नहीं है, हाँ, देखो क्या हुआ था, कैसे शुरुआत थी हमारी, हिस्ट्री कैसे शुरू हुई थी, देखो क्या हुआ था कि अगर ह्यूमन का एग्जांपल लोग ले रहे हैं, हम ह्यूमन का एग्जांपल सुनिए मेरी बात को, ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या होता है, कोई ह्यूमन की फादर रहते हैं, मतलब मेल पेरेंट से आता है स्पर्म, राइट, स्पर्म मतलब मेल गैमिट आता है, और फीमेल पेरेंट होती है मदर, उससे आता है फीमेल गैमिट मतलब एग या ओवम, फीमेल गैमिट, और ये मेल और फीमेल गैमिट जो है ना वो फ्यूज हो जाता है और उससे बनता है जायगोट बनता है ना। तो सपोज इस पेरेंट में, इस मेल गैमेट में, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम रहते हैं? 23 क्रोमोसोम रहते हैं, राइट, 23 क्रोमोसोम, और इधर कितने क्रोमोसोम रहते हैं एग में? 23 क्रोमोसोम रहते हैं उसमें, क्रोमोसोम्स रहते हैं, राइट। तो जायगोट में होते हैं ये एन एक सेट है क्रोमोसोम का, ए एन सेट है क्रोमोसोम का, जायगोट होता है 2n, तो उसमें होता है कितना? 46 मतलब
23 pairs. क्या वो हर टाइम पेयर में रहते हैं क्या zygote में? ये zygote से ही, zygote का ही डिवीजन होता है, डिवीजन डिविजन्स मेनी डिविजन्स और हो जाता है मल्टीसेल्युलर ह्यूमन, मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो से ही बनता है फिटस, फिटस से बनता है चाइल्ड और चाइल्ड से बनता है एडल्ट. जब ये एडल्ट है या मेल या फीमेल एडल्ट है, ये आगे जाके जब मियोसिस करेगा और गैमिट बनाएगा, मियोसिस करके गैमिट बनाएगा, गैमिट बनाने वाला है ना, तो इसमें होगा मियोसिस वन. क्या होगा? मियोसिस वन. और बाद में होगा मियोसिस टू. तो ये जो मियोसिस वन होगा ना, उसमें होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज. यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. इस प्रोफेज में होगा एक स्टेज zygotin, उसको एक यही मैं लिख रहा हूँ zygotin. तो zygotin में क्या रहेगा कि इस एडल्ट में ये एडल्ट अभी अपने गैमेट बना रहा है. जब ये एडल्ट बन जाता है बच्चा एडल्ट, तो अपने गैमेट बना रहा है, तो इसके हर सेल में जो गैमेट बनाने वाली है सेल, उसमें भी कितने क्रोमोजोम? 46 क्रोमोजोम. 46 क्रोमोजोम है मतलब क्या है कि उसमें से 23 क्रोमोजोम इस एडल्ट के मम्मी से आए हैं और इस एडल्ट के पापा से आए हैं. यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. इसके पापा से या मम्मी से आए हैं क्रोमोजोम 23 पेयर्स. तो इसका मतलब है कि हर, सपोज इधर ए फर्स्ट पेयर क्रोमोजोम है, फर्स्ट क्रोमोजोम है, ये सेकेंड क्रोमोजोम, थर्ड क्रोमोजोम, ऐसे ऐसे सपोज ये 23rd क्रोमोजोम, ये 23 है, ये फर्स्ट वाला क्रोमोजोम है, ये सेकेंड वाला है, ऐसे थर्ड वाला है, ऐसे ये 23rd क्रोमोजोम है. वैसे इधर फर्स्ट क्रोमोजोम है, सेकेंड है क्रोमोजोम, थर्ड है, ऐसे ऐसे ये 23rd क्रोमोजोम है. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 23वां क्रोमोजोम, 23rd क्रोमोजोम. इसका मतलब हर जो क्रोमोजोम पापा वाले गैमेट में होते हैं, उसका एक पार्टनर मम्मी वाले गैमेट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है. और जब ये जाइगोट में आते हैं, तो ये पापा वाले क्रोमोजोम और मम्मी वाले क्रोमोजोम साथ आते हैं, लेकिन वो पेयर नहीं होते हैं. हम लोग इधर लिखते हैं पेयर्स, लेकिन वो पेयरिंग कब करते हैं? एक्चुअली पेयरिंग, ये पेयरिंग करते हैं जाइगोटिन में. कब करते हैं पेयरिंग? ये मतलब हर एक क्रोमोजोम इधर रहेगा ना, उसका एक पार्टनर इधर रहेगा. इधर ये फर्स्ट वाला है तो उसका पार्टनर ये फर्स्ट वाला है. इधर ये एट्थ वाला है तो उसका पार्टनर इधर एट्थ वाला है. इधर ये 23rd है क्रोमोजोम तो उसका पार्टनर है, होमोलॉग है या पार्टनर है, वो ये है. हर कोई क्रोमोजोम का, मेल गैमिट वाले क्रोमोजोम का पार्टनर फीमेल गैमिट के अंदर होता है. और जब मेल और फीमेल गैमिट मिलते हैं, जायगोट बनता है, जायगोट से एडल्ट बनता है, एडल्ट खुद जब मियोसिस करता है, तो उसमें जाइगोटिन होता है. मतलब मम्मी, उसके मम्मी का और पापा का हर क्रोमोजोम जो एक दूसरे का पार्टनर है, वो साथ आ जाता है, उसको बोलते हैं जाइगोटिन. हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर. तो ये जाइगोटिन में ये एक्चुअली साथ आते हैं, तो पेयर्स बोलते हैं. लेकिन पेयर्स बोलना एक्चुअली कौन से स्टेज को सिग्निफाई करना है? जाइगोटिन को. क्योंकि बाकी कभी भी ये क्रोमोजोम एक दूसरे के पार्टनर होते हुए भी एक दूसरे के करीब नहीं आते, एक दूसरे के साथ नहीं आ जाते. जब उनके अंदर का जीन एक्सप्रेस कर रहा होता है, तब भी वो पेयरिंग नहीं करते. दे डू नॉट पेयर एट ऑल एक्सेप्ट ओनली जाइगोटिन. मतलब सोमैटिक सेल है ना, जिसपे जिससे स्पर्म नहीं बनेंगे, जिससे गैमिट नहीं बनेंगे, उसमें कभी होता है क्या पेयरिंग उनका? नो सर. हाँ, तब भी हम लोग मान बोलने के लिए बोलते हैं 23 पेयर्स, क्योंकि हमें पता चले एक्चुअली असल में वो पेयर्स में अभी है क्या, साथ साथ है क्या हर कोई? नो सर. नहीं, राइट. तो ये सब पेयरिंग एक्चुअली टेक्निकली बोले तो एक्चुअली पेयरिंग कब होता है? जब जाइगोटिन में. कब? जब ये बच्चा बड़ा बनेगा, एडल्ट बनेगा और खुद का गैमेट बनाएगा, तब उस टाइम में
ठीक है, जाइगोटिन, ये मियोसिस वन है, एमए मतलब मियोसिस वन, एमए क्यों क्यों लिखा मैंने, एमए क्यों लिखा, एम वन ही लिखना चाहिए था ना मेरे को, एम वन ही लिखना चाहिए था ना, मियोसिस की प्रोफेज लिखा था मैंने, वो ए नहीं था पी था, ये है एम वन प्रोफेज वन, उसका है ये जाइगोटिन, क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, अभी कैसे होगा को? ये 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 जो है ना, ये मैंने कितने क्रोमोसोम निकाले इधर, एक दो तीन चार टोटल टोटल, तो इसका पेयरिंग कैसे होगा, सपोज ये है ना, अभी सब मैं सिर्फ मैं न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ, हाँ कोई साइटोप्लाज्म नहीं दिखा रहा हूँ, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है, ये है क्रोमोसोम है येलो वाला, ये येलो वाला है, सपोज ये पापा वाले क्रोमोसोम है, उसके पापा वाले क्रोमोसोम, उसके पापा वाले क्रोमोसोम, ये जो सेल है ना उसके पापा वाले क्रोमोसोम है ये येलो वाले, और उसके मम्मी वाले क्रोमोसोम है ये रेड वाले, क्या ये रेड वाले, तो भी साथ साथ आ रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ, इज इट क्लियर टू यू? यस सर, यस सर, यस सर, इज इट, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये पेयरिंग कैसे होता है, ड्यू टू, ये पेयरिंग क्यों होता है, कैसे होता है, किधर गया ये मेरा रबर, किधर गया, ड्यू टू, ड्यू टू पेयरिंग क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोमियल, साइनेप्टोनिमल, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सिस, कॉम्प्लेक्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सिस, इसमें क्या हो रहा है, साइनेप्स, साइनेप्स, साइनेप्स का मतलब बीवी पेयरिंग है, क्या है, पेयरिंग, रिंग, पेयरिंग, पेयर होते हैं ना साइनेप्स, या यूनियन, या यूनियन, जॉइनिंग, जॉइनिंग बोले, यूनियन बोले, कैसे भी, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे भी रैंडम रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हुए थे साइटोप्लाज्म में, उनको पता नहीं था कि मेरा पार्टनर कहाँ है, पप्पी वाले हर, पापा वाले हर क्रोमोसोम को पता नहीं था कि दूसरे अपोजिट पेरेंट से आया हूँ, मेरा वाला, मेरा पार्टनर क्रोमोसोम किधर है उनको पता नहीं था, अभी क्या हुआ है कि कोई मैकेनिज्म हुआ, उसके अंदर ज्यादा जाना नहीं है डिटेल में, हालांकि मैं बोल सकता हूँ लेकिन दैट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म हियर, तो हर क्रोमोसोम अपना वाला पार्टनर ढूंढ लेगा और उसके करीब आ जाएगा, उसके करीब आ जाएगा, तो उसको एक साथ जोड़ने के लिए, करीब लाने के लिए कोई उसके अराउंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, उसके अराउंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको बोलेंगे हम लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, तो मेरे को बोल दीजिए कि अभी ह्यूमन के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे, अभी ये एक पेयर है, ये सेकेंड पेयर है, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 23, मतलब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे, ये एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज वन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एक पेयर का जो कॉम्प्लेक्स है उसको बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो कितने कॉम्प्लेक्सेस बन गए, लाइक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कितने बने, 23, तो ह्यूमन में टोटल इन केस ऑफ ह्यूमन कितने बने कॉम्प्लेक्सेस, 23 साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, मतलब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स, ओके, कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी पेयर्स है, नंबर पेयर्स है, सपोज वन पेयर है तो वन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, टू पेयर है तो टू साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एंड सो ऑन, सो इट इज कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू
नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम. हैप्लॉइड क्रोमोसोम. हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर. यस सर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस को खत्म करेंगे. ठीक है? यस सर. यस सर. थैंक यू सर. यस थैंक यू सर. थैंक यू सर. गुड नाइट. यस यस यस. थैंक यू. गुड नाइट. यस सर. गुड नाइट. गुड नाइट सर.